नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ गैरी बाबा जी के एक और नई वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे नए ब्लूटूथ ईयरफोन्स के ऊपर। जैसे कि आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में देखा हुआ है, एप्पल एयरपॉड्स वगैरह, तो यार मतलब कई लोगों ने बोला वो बजट के ऊपर है, तो मैं सोचा एक बजट के ब्लूटूथ ईयरफोन्स के ऊपर रिव्यू कर दूँ। तो यार ये है वो ईयरफोन्स, वन प्लस के ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, और उसी के बारे में एक बार इसको टेस्ट करेंगे कि कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह। तो दोस्तों यार जैसा कि टाइटल वगैरह से देखकर समझ ही गए हो, तो यार क्या है ये जो ईयरफोन्स है ना, मतलब कई लोगों ने बोला बजट के अंदर अच्छे हैं कि नहीं है यार बताओ हमको, कोई 3,000 से 4,000, 5,000 के अंदर कोई ईयरफोन्स चाहिए। तो यार मेरे को एक्चुअल में मेरा पहले इंटरेस्टेड था मैं मीवी का कॉलर वगैरह ले लूँ, बट क्या है यार मेरे पास वन प्लस का फ़ोन है और वन प्लस ने अपने खुद के ईयरफोन्स निकाल रखे थे, तो यार मैंने सोचा एक बार क्यों ना उसके साथ जाऊँ और टेस्ट करूँ कि यार कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह। तो मैंने इसको खरीद लिया, परचेज कर लिया, जो कि नॉर्मली यार जो भी है, अगर आपको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे जाके खरीद लो, तो मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों यार ये जो वन प्लस ने अपने ईयरफोन निकाले हैं बहुत ही मस्त ईयरफोन, मतलब मैंने अभी तक इसको टेस्ट वगैरह कर चुका हूँ, मैं रिव्यू बनाने से पहले टेस्ट कर लेता हूँ, अनबॉक्सिंग करने से पहले टेस्ट कर लेता हूँ। तो यार ये रहे ईयरफोन्स, और पर्टिकुलरली मेरे को बहुत अच्छे लगे यार, मतलब नॉट एज बिल्ड क्वालिटी बट यार नॉट ट्रू वर्डलेस, बट हाँ चीज अच्छी है। अनबॉक्सिंग देख लो इसकी, उसके बाद बात करते हैं। तो यार ये देखो बॉक्स बहुत सुंदर लग रहा है, और जो इसके आगे देखो आप लोग एक वन प्लस के ईयरफोन्स की ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखती है, और सामने की तरफ एक लोगो है, साइड में कुछ भी ब्रांडिंग वगैरह नहीं करी है वन प्लस ने, पीछे कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन करी है, जैसे क्या क्या प्रोडक्ट पैकेज के कंटेंट्स हैं, उसके अलावा कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कहाँ मतलब कहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह इम्पोर्ट वगैरह करा है, कौन इसको मतलब कहाँ से पावर्ड, कौन पावर्ड वगैरह कर रहा है, और उसके अलावा इसकी MRP वगैरह के बारे में डिटेल्स हैं, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है पढ़ लेना। और यार ये बॉक्स खुलते ही यार जो एक्सपीरियंस मुझे लगा ना, मज़ा आ गया। सामने की तरफ आपको तीन चीज़ें देखने को मिलती है, ईयरफोन्स है ना, उसके अलावा ईयरफोन्स का एक केस, और केस के अंदर मैं बताना दिखाना भूल गया आपको, केस के अंदर एक डेस्क चार्ज की छोटी सी केबल, ठीक है, और उसके अलावा ऊपर आपको देख सकते हो कि 5 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए इन लोगों ने, ताकि आपके अगर इन ईयरफोन्स की टिप्स वगैरह खो जाए तो आपके पास हो। और सामने की तरफ ये एक डिज़ाइन है, ईयरफोन्स नहीं है ये डिज़ाइन है, पर जो आपको दो बीच में सर्कल्स दिख रहे हैं उसमें है ना आपको मतलब वो आपके ओरिजिनल ईयरफोन्स है। साथ ही में आपको एक लिखा हुआ दिख गया होगा कि फ्री और म्यूजिक, इसका मेनली जो इनका मकसद था बोलने का वो ये था कि यार जो आप लोग पहले वायर वगैरह यूज करते थे म्यूजिक के लिए, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ब्लूटूथ के ईयरफोन्स के टाइम में वन प्लस भी अपना रिवोल्यूशन ला चुका है, और आप अपने म्यूजिक फ्री होके सुन सकते हो। तो यार मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी, अब मैं सील खोल रहा हूँ, और इसी के साथ मैं यार इस प्रोडक्ट को खोलने जा रहा हूँ, और हल्का सा टाइम लगा था सॉरी, और ये एक बुक की तरह ओपन हुआ और दो यूज़र मैनुअल सामने निकल के आ गई। खैर इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। तो फर्स्ट हैंड्स ऑन जो था इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरा, वो ये था कि यार जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है, जो कि मतलब इसको बिल्ड वगैरह करने में जो मज़ा आया, मतलब जो इन लोगों ने बिल्ड करा है बहुत अच्छा बिल्ड करा है, और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसी के अलावा दोस्तों अगर आपको अनबॉक्सिंग में कुछ कमी लगी हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा स्टूडियो तैयार नहीं था, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी देखने को मिली, अगली बार मैं कोशिश करूँगा ऐसा ना हो। फिलहाल के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो यार दोस्तों अनबॉक्सिंग वगैरह देख लिया पैकेज के कंटेंट्स वगैरह, यार तो मतलब मेरे को तो अनबॉक्सिंग करते थे बड़ा मजा आया, मतलब यार जो चीज़ इन लोगों ने दी है पैकेट वगैरह, मतलब यार बहुत अच्छे से पैकिंग वगैरह करी है इन्होंने, और उसके अलावा जो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बहुत प्रीमियम है, मतलब यार मेरे को अच्छी लगी, ठीक है, नो डाउट। और सबसे बढ़िया बात है यार इसमें एप्पल के एयरपॉड्स जैसे बहुत हद तक बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप इसको ऐसे मैग्नेट से हटा दोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ये किसका बहुत अच्छा फीचर है। इसके अलावा आपको यहीं पर ही कंट्रोल पैनल दे दिया, जिसमें भाई आपको एक बटन दे दिया जिससे आप गूगल को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आप डबल टैप करते थे तो सीरी आ जाती थी, और यहाँ पे अगर एक बार सिंगल बटन हल्की सी 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो गूगल आ जाएगा, और साइड में ये मतलब दोनों माइनस और प्लस दे रखे हैं ताकि आप अपनी वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सको। इस तरफ आप देखोगे तो एक सेकंड
इस तरह आप देखोगे तो दोस्तों यार ये जो है ना ये टाइप सी की चार्जिंग केबल है, और मानो या ना मानो यार इसमें मतलब 10 मिनट के चार्ज में आप लोग आराम से 4 से 5 घंटे का यूज कर सकते हो। खैर डैश चार्ज है, मैं आपको पहले भी बहुत तारीफ कर चुका हूँ, डैश चार्ज मतलब यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, ठीक है। अब उसके अलावा यार मेरे को इधर कुछ देखने को मिला नहीं यार, इसमें शायद हो सकता है कोई वायर हो, बाकी इधर और इधर मुझे बैटरी लग रही है, और इधर एक बटन है इसको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए, मैं पूरे टाइम स्विच ऑन रखता हूँ। बस ये वैसे एक तरीके से यही स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन है, जैसे ये मतलब मैग्नेट टच हो जाता है वापस आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और बाकी टाइम पे आपका ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा जैसे ही हट जाएंगे एक साथ, ठीक है। मेरे को बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी, वायर्स वगैरह कहीं टेंगल वेंगल की मेरे को लग नहीं रहा कि यार वायर्स में कहीं टेंगलनेस आएगी, क्योंकि छोटा सा वायर तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसके कुछ कॉन्स मैं बता दूँ आपको, तो कॉन्स यार ये रहेंगे कि यार मतलब जो ये है आप इसको वर्कआउट वगैरह के अंदर यूज नहीं कर सकते, मतलब बहुत हिलेंगे, और उसके अलावा यार आप कभी ऐसे वर्क वगैरह कर रहे हो तो यार ये एकदम से कभी हट जाए नहीं हटे, तो यार ये एक दिक्कत वाला काम है, क्योंकि क्या होता है एकदम से मतलब लगते मैं जैसे कभी फोन पे बात कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ और एकदम से हट जाए तो यार ये मतलब कनेक्ट हो जाता है, कभी डिसकनेक्ट हो जाता है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मतलब वायर बहुत लंबा है, कुछ ऐसा शॉर्ट करने का कुछ ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि मीवी कॉलर में था एक जिप टाई टाइप कुछ दे रखा था जिसमें क्या होता था वायर ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक हो जाता था, उससे क्या होता था कि यार मतलब जो यहाँ पे वायर्स रहते थे ना वो ज़्यादा वो नहीं रहता था। अब जैसे ये कोई माला बन गई कि एक माला पूरे टाइम लटका के फिरो। अब उसके अलावा यार वैसे देखो तो यार चीज़ अच्छी है इस बजट के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि यार बजट की बात ना करें ना तो भी इसकी जो एप्पल एयरपॉड्स है उससे भी बेटर साउंड क्वालिटी है ये मेरे को लगा पर्सनली, ठीक है। बाकी इसका मैं एक आपको एप्पल एयरपॉड्स के साथ एक इसका कंपैरिजन वीडियो बताऊंगा, मेरे को दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बट यार एक बार बनाना अच्छा रहेगा ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए कि भाई ब्लूटूथ में ये लें या वो लें, हमारे पास ये फ़ोन है तो कौन सा लें, इस हिसाब से वगैरह वगैरह सब टॉपिक्स कवर कर लूँगा। फिलहाल दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट की बहुत ज़रूरत है मुझे, ठीक है। और उसके अलावा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो फटाफट से, ताकि क्या है आपको ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद, बाय बाय।